आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट बैठक, ओमिक्रॉन के चलते वर्चुअली होगी मीटिंग, सुबह 11 बजे कैबिनेट की होगी बैठक। सीएम योगी ने 10वीं तक के सभी स्कूल किए बंद, 16 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, 11वीं 12वीं के बच्चों की पढ़ाई होगी ऑनलाइन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अयोध्या दौरा, आज रामलला और हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन पूजन। सपा और रालोद की अहम बैठक आज, अखिलेश जयंत शीट शेयरिंग कर सकते हैं बैठक। चंडीगढ़ के पीजीआई में बिगड़े हालात, 2 दिनों में 146 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर बस्ती से है, जब ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह पर भरविलिया गांव के पास हमला करके बदमाशों ने जितेंद्र को मृतक समझकर मौके से फरार हो गए, जिसकी जानकारी रास्ते पर जा रहे लोगों ने पुलिस और परिजनों को दी थी, जिसके बाद उनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुखबिर की सूचना पर लालगंज और रुधौली पुलिस ने 4 आरोपियों को बस्ती रोडवेज से गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र सिंह को शाम के समय कुछ लोगों ने उनके कार में घुस करके मारा पीटा, जिसमें उनको आई हुई चोटों का इलाज लखनऊ में चल रहा है। इस संबंध में पुलिस ने 307 और 7CLA एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। तहरीर में 7 लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात थे। नामजद लोगों में से 4 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, किसी के ऊपर 3, किसी के ऊपर 6 मुकदमे लिखे हैं। इन अपराधियों के आपराधिक इतिहास के आधार पर इनकी शीट भी खोली जाएगी और इनको जो भी यदि कोई सरकारी सुविधा मुहैया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी व्यापारियों की बैठक में शिरकत करने विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यापारियों को 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित हो रही व्यापार समाज की बैठक में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्या मंत्री के सामने रखी, जिसका मंत्री ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से बात करके समस्याओं के निस्तारण करने की बात कही है। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है, जो कि अपने पिता का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या होगा। ये छोटी सोच के लोग, जिन्होंने केवल परिवार को बढ़ाने का काम किया, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, इन लोगों ने प्रदेश को 2014 के बाद आज चाहे छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करें, हमारा गठबंधन इस प्रदेश की आम जनता से। 2014 में प्रचंड बहुमत मिला, 2017 में प्रचंड बहुमत मिला, 2019 में प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में भी प्रचंड बहुमत मिलेगा। हमारा इस देश को प्रेम करने वालों के साथ, इस प्रदेश को प्रेम करने वालों के साथ, इस प्रदेश की तरक्की कर चाहने वालों के साथ, इस प्रदेश को उन्नति की ओर देखने वालों के साथ गठबंधन है, निश्चित रूप से हम। वहीं अब खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 15 के केनरा बैंक में करीब 1.84 लाख रुपए की लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने लूट का कैश को बरामद करने के लिए 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम को 25,000 का इनाम दिया है। 22 दिसंबर को करीब 1 बजे सेक्टर 15 की मार्केट में कैनरा बैंक में 1,84,000 रुपये की लूट हुई थी। 3 नकाबपोश बंदे थे जो मोटरसाइकिल पे आए और चंद मिनट में ही लूट करके वहाँ से फरार हो गए थे। जो कैशियर था उसको पिस्टल दिखाया गया था और जो 1-2 और मुलाजिम थे उनको भी चाकू की नोक पे ये लूट को अंजाम दिया गया था। इसमें हमारे CP साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने 4-5 टीमें लगाई थी और इंस्पेक्टर विमल की टीम ने इसको कामयाबी।
खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने मारपीट होने लगी। इस दौरान एक पक्ष ने दंपत्ति और उनके बेटे को लात घूसों से जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायलों को आनन फानन में वल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। लेकिन इस मामले पर पुलिस ने कहा कि अब तक उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ये लड़ाई झगड़ा आया और ये बाइक के चक्कर में उसका नाम क्या, इन्होंने बाइक हमारे दरवाजे के आगे खड़ी थी और लड़के ने खड़ी कर दी दरवाजे के आगे बाइक, हमारी स्कूटी वो खड़ा कर रहा था, इतने में आके गाली गलौज देने लग गए ये और मारने लग गए लड़के को, मैंने बचाव करा, मेरे को भी मारा है इन्होंने। वो कम से कम 10-12 थे, उन्होंने खूब लातें मारी हैं, खूब लड़के को बहुत मारा है, वो 10-12 थे, हम एक थे, वही उसकी बस रोज यही करते हैं, 10-12 लड़के हैं, ये आते हैं जाते हैं, कभी केक काट रहे, हल्ला मचा रहे, शराबे पीते हैं, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं ये। हमारे वहाँ पे साइड में ये लोग हमारी, इनके बाइकें भरी रहती है पूरी जी, और हमारे लड़के ने अपनी स्कूटी खड़ी करने के लिए वो इनकी बाइक थोड़ी इधर करी और ये लोग क्या है, दिन में 500 लोग आते हैं वहाँ पे, पता नहीं जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं या क्या करते हैं, हमें कोई पता नहीं जी। उसके बाद आते ही जो सौरभ है उसने आके इससे फोन से गाली गलौज करी और इससे मारपीट चालू कर दी, सोनू ने मारा, सौरभ ने मारा और इनके साथ अन्य लोग थे 10-12, सब ने हम लोग, मेरे को मारा, पवन को मारा, उसके बाद इसकी मम्मी लेडीज़ को हाथ उठाया, ओनली कि ये आप हमारे मकान के साथ, हम अपनी गाड़ी नहीं, अपनी बाइक नहीं खड़ी कर सकते। हमारे साथ गली घर है जहाँ पे, वहाँ पे साथ में गली है, बंद गली है, उसमें हमारा घर है टू साइड ओपन, तो हमारी बाइक खड़ी होती है, पीछे हमारी स्कूटी खड़ी होती है, ये कम से कम 15 से 20 लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ हल्ला मचाते हैं, दारू पीते हैं और मतलब कभी मतलब 12-1 बजे तक ये रोज़ हुड़दंग मचाते हैं जी वहाँ पे, कोई इनको कहने वाला नहीं है, कोई सुनने, जो जरा सा भी इनसे कुछ बोलता है उसी को ही मारते हैं, जैसे आज मेरे को मारा है इन्होंने बुरी तरह से, मेरी माता जी को मारा, मेरे पिताजी को भी इन्होंने मारा, ये बहुत मतलब गलत करते हैं, पर इनकी कोई भी, इनकी अगर जरा सा इनसे कोई बोला कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो ये उसको मारते ही मारते हैं, इन्होंने पूरा आतंक मचा रखा है जी वहाँ पे हमारी गली में, और हम बहुत परेशान हैं इनसे, इन लोगों से बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। पड़ोसियों में स्कूटी करने का झगड़ा हुआ है, हमारी ईआरबी गाड़ी गई थी, अभी कोई कंप्लेंट नहीं है दोनों जी, ठीक कंप्लेंट आएगी जब कार्रवाई करेंगे, कंप्लेंट आएगी जब लेंगे, अभी दोनों पक्षों कोई कंप्लेंट नहीं आई, दोनों पड़ोसी है। पार्किंग को लेकर उनका कोई झगड़ा वगैरह हुआ है तो उस केस में हमारे पास मेडिकल लीगल केस मनवाने के लिए ये लोग हमारे पास आए हैं और उपचार के लिए आए हैं, तो प्राथमिक उपचार हमने दे दिया है और मेडिकल लीगल रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। तो कितने चोटे इनके, चोटे कुछ हैं, वो सर में दर्द बता रही हैं, पैर पे दर्द बता रही हैं और जो लड़के हैं उसको भी सर में चोट बता रहे हैं, वो लोग तो हमने देखे हैं, हल्के रगड़ लगी हुई है उनको। तो खबर रायबरेली से है, जहां थाना खीरो के गांव बरौड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रही, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाना खीरो पर की थी, लेकिन पीड़िता के मुताबिक पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष को थाने से भगा दिया था, जबकि ये मामला बीते 3 जनवरी का है जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घोर का मामला है, हमारे घर का बंगला, हमें घर के ऊपर बंगला रख लिया है उन्होंने, और जब हमने उनको कहा तो ज़बरदस्ती घोट डाल रही है, मान नहीं रही है जी। उस दिन हम मीटिंग जा रहे थे और मीटिंग से उनके हस्बैंड निकले, हमें पकड़ के लेके गए अंदर, पैसा ले लिया, मेरा मोबाइल ले लिया, कहाँ ले गए अंदर? अंदर ले जा रहे थे खींच के अपने कमरे में, कमरे में ले जा रहे जी, और ज़बरदस्ती उनकी वाइफ ने मोबाइल वोबाइल सब छुड़ा लिया, जबकि वो लोग ज़बरदस्ती 3 लोग हमें ऊपर मार कर दिए, इसकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने ये कहा कि कल तलुक आपका मोबाइल मिल जाएगा, सुलह हो जाना, ये हो जाना, फिर भी विनोद को बुलाएंगे, उनको समझाएंगे, फिर भी विनोद को नहीं बुलाया गया थाने में, ना सुनवाई हुई मेरी थाने में। वहाँ पे हम नाश्ता सर्जी लेने जा रहे थे, नाश्ता लेने जा रहे थे, ये सोने की उसकी बकवास हो रही थी, तो हम चले गए दुकान से, वापस आए तो इनके दोनों का झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी और सोनी नीचे थी, उसके ऊपर 3 मतलब औरतें जो लदी थी, औरतें विनोद पहले था, जो सारी औरतें इकट्ठा हो गई तो विनोद भाग गया।
बाजार में जूता कारोबारियों ने जीएसटी बढ़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। जूते पर 5 से 12% तक जीएसटी बढ़ाए जाने के विरोध में कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अपनी दुकानों पर ताले लगा दिए हैं। तो लगातार मांग कर रहे हैं जीएसटी की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं व्यापारी। हमारी आज की जो हड़ताल है, आप ये छोड़ दीजिए, हमारी आज की जो हड़ताल है वो भी सांकेतिक हड़ताल है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए भी हो सकती है। चुनाव से पहले हमारी ये मांगे मानी जाएं। हमारा ये आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, सभी नेताओं से जो आगरा में विधायक MLA उन सब से अनुरोध है कि हमारा कार्य चुनाव से पहले किया जाए। मेरा नाम श्याम भोजवानी है और सरकार जिस तरीके से हिटलर रवैया अपना रही है, आप देख रही है पहले ही कोरोना काल में आगरा में पर्यटक किस तरीके से पर्यटक व्यापार चौपट है। 3 लाख आदमी पर्यटकों से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट सारा बंद हुआ है, 3 लाख कारीगर उनसे जुड़े हुए हैं और फिर जो हम लोग जो बिचौली है, हम लोग अपना यहाँ से ट्रेड करके व्यापारी यहाँ से माल बेचता आगरा, उस पर भी एक घातक खंजर मारने का जो काम सरकार कर रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार इसका अपना वापस नहीं लेती है, GST को 5% रेन नहीं लेने देती है तो शू फेडरेशन का इतिहास रहा है। चाहे हमको 2 महीने बंद करना पड़े, राजकुमार सामाजी थे तब भी रामानी जी के नेतृत्व और सामाजी के नेतृत्व में हमने 2 महीने लगातार बंद किया था और निश्चित ही अपनी मांग मनवाई थी कि ऐसा ना हो। खबर अलीगढ़ से है जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने दस्तक दे दी है जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक विदेश से आए 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि हुई थी जिनका सैंपल भेजने के दौरान उनमें ओमिक्रोन वेरिएंट का पता लगा है। जिसके बाद हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राहुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि फिलहाल कोविड पॉजिटिव हुए लोगों को स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन समेत कई सुविधा दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील की। ओमिक्रॉन के 2 केस आज रिपोर्ट हुए हैं। जो फॉरेन ट्रेवलर के हम सैंपलिंग कर रहे थे उसमें से जो पॉजिटिव आ रहे थे उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ KGMC सैंपल भेजे जा रहे थे। उसमें से आज 2 पॉजिटिव आए हैं, एक मिर्जा गालिब अपार्टमेंट सर सैयद नगर के शाहनवाज, दूसरे स्वर्ण जयंती नगर के अभिषेक गौड़। और ये दोनों ही लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं। अभिषेक गौड़ का फॉलोअप सैंपल भी किया गया जिसमें वो नेगेटिव आए हैं, स्वस्थ हैं। शाहनवाज जी का आज फॉलोअप सैंपल मंगाया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जनपद में खबर बदायूं से है जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा करते हुए 3 अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से नकदी जेवर और अवैध हथियार बरामद किया गया है। इस घटना को थाना बिसौली पुरवा खेड़ा रोड संग्रामपुर में बदमाशों ने तमंचे के बल पर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद से ही व्यापारी वर्ग में काफी भय का माहौल था। जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले का खुलासा किया। उन्होंने लगातार 1 महीने के अंदर 2 लूट की घटनाएं संतत कारित की तो निश्चित रूप से हमारी टीम का यह सराहनीय कार्य है की गिरफ्तारी रिकवरी और जो शेष है उनको पकड़ने के काम चल रहा है। इनकी जो आपराधिक हिस्ट्री है और इन्वेस्टिगेशन के तहत उस पर विचार करके इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कराई जाएगी और इससे जनपद बदायूं में खबर बांदा से है जहां ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंडित JNPG कॉलेज में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। ये कंबल वितरण कैंप सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने लगाया। इस दौरान कई जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए कैंप में कंबल बांटे गए जबकि कंबल मिलने से लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा गरीबों के कल्याण चलाई जा रही बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी सोच का ही एक पार्ट है आज का ये कार्यक्रम। इस जैसा DM साहब ने कहा कि आप सही समय पर हाँ कंबल वाला, लेकिन जैसे शाम आई
खबर मिर्जापुर से है, जहां संभागीय परिवहन विभाग के बहुप्रतीक्षित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया, जबकि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण किया था। और इस नए सेंटर के बनने से वाहन सीखने और सिखाने वाले दोनों का ही बहुत फायदा होगा, जबकि इसके साथ ही अब नए वाहन चालकों को लाइसेंस भी आधुनिक तरीके से बनकर मिलेगा। जिनको लाइसेंस की जरूरत होगी उन सबके लाइसेंस यहीं से बनेंगे और आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। ट्रायल के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर रनवे वगैरह बने हैं और इसका जो लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी पूर्व में किया जा चुका है और आज इस कार्यालय में लाइसेंस बनाने का शुभारम्भ किया गया है। तो इसी अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ परिवहन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में यहाँ फीता काट करके आज इस कार्य जो खबर सोनभद्र से है, जहां एनटीपीसी रिहिंद के आवासीय परिसर में 15 से लेकर 18 साल के लगभग 250 छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान वैक्सीन लगवाने वाले छात्रों ने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की, जिससे देश और प्रदेश कोरोना महामारी के प्रकोप से बच सके। वहीं डीएवी रिहिंद के प्रिंसिपल ने बताया कि भारत सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिया, जिससे देश के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ राजकीय वरिष्ठ आदर्श माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई। इस दौरान जब बच्चों को वैक्सीन लगाई गई तो उन्होंने सरकार का आभार जताया और छात्र को माने तो लंबे समय से वो वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे थे। छात्रों ने इस बात को कबूल किया है कि वो लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों ने सरकार का आभार भी प्रकट किया। पूजा, आज वैक्सीन लग रही है सभी बच्चियों को, तो क्या आपने भी लगवाई है वैक्सीन? यस सर। वैक्सीन लगवाने से पहले किसी बात का डर, किसी घबराहट कोई? हाँ सर, बहुत अच्छी घबराहट। क्या घबराहट थी, क्या डर लग रहा था? सर ऐसे में दर्द हो गया, बुखार आ जाता, फीवर हो जाता है। अभी आपने वैक्सीन लगवा ली, कोई कुछ हुआ है आपको? अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो अब डर निकल गया? यस सर। ये पहली डोज थी दूसरी? पहली डोज थी। नेक्स्ट टाइम जब दूसरी लगवाओगे तो डर नहीं लगेगा? थोड़ा बहुत तो है, सुई है सर। आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 9 से लेके 12 तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कैंप है, क्योंकि मुख्य प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था 3 तारीख से 15 से 18 एज ग्रुप में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन कैंप, वैक्सीनेशन जरूरी है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सभी स्कूलों में लगभग सभी बच्चों का वैक्सीनेशन कराना निश्चित किया है। तो हमने भी अपने स्कूल की लड़कियाँ बुलाई हुई हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।